हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? उम्मीद है सभी लोग ठीक होंगे। आज हमारे पास है सैमसंग गैलेक्सी A42 5G। इसको मैं फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डे सेल में परचेस किया हूं, वो भी बहुत कम प्राइस में, और मैं आपको बीच में बताऊंगा वीडियो के। उसके पहले एक चीज़ बता दूं, अनबॉक्सिंग अपलोड करने से पहले हम लोग और दो वीडियो अपलोड कर चुके हैं। उसमें से एक है सैमसंग गैलेक्सी A42 5G का वाटर टेस्ट। अगर वो वीडियो आप लोग अभी तक नहीं देखे, कार्ट में लिंक मिल जाएगा, वो वीडियो जरूर देखना। काफ़ी अच्छा वीडियो है और बहुत सारे लोग वाटर टेस्ट देखना पसंद भी करता है। तो चलो अनबॉक्सिंग सबसे पहले देख लेते हैं। दोस्तों, ये है फ्लिपकार्ट का पैकेट। इसको मैं फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डे सेल में परचेस किया हूँ, बहुत ही कम प्राइस में। तो चलो सबसे पहले यहाँ पे पैकेट को ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे बिल मिलता है, आप लोग यहाँ पे देख लीजिए। 16,500 रुपीस में इसको मैं परचेस किया हूँ। इसके अंदर से एक फोन आता है और इसको अभी मैं साइड में रखता हूँ। चलो दोस्तों, इसको मैं अनबॉक्स कर देता हूँ और देखता हूँ सैमसंग हम लोगों के लिए अंदर क्या क्या रखा है। तो बॉक्स के अंदर सबसे पहले फ़ोन मिलता है, उसके अलावा यहाँ पे एक चार्जिंग अडाप्टर दिया है 15 वाट का, और यहाँ पे एक टाइप सी केबल भी देखने को मिलता है। इधर और एक बॉक्स मिलता है और इसके अंदर क्या है वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। सिम रिजेक्टर पिन दिया गया है। इसके अंदर कुछ यूजर मैनुअल गाइड है जो कोई नहीं पढ़ता है। चलो रैपर से फोन को बाहर निकालते हैं और यहाँ पे जो स्टिकर है इसको भी मैं हटा देता हूँ। अभी देखिए इसका डिजाइन कैसा है, खतरनाक डिजाइन है। सच में दोस्तों मुझे काफी अच्छा लग रहा है। इसको ऑन करते हैं और सैमसंग लिखा हुआ आ गया है। इसका डिजाइन मुझे ठीक ठाक लगा, बैक साइड की तरफ टेक्सचर डिजाइन जैसा लगेगा लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ग्लॉसी पैनल दिया गया है, देखने में लगता है कि टेक्सचर फिनिश दिया है लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। और हाथों का निशान क्रैचेस वगैरह जल्दी जल्दी आ जाता है। और सैमसंग यहाँ पे आउट ऑफ बॉक्स बैक केस भी नहीं दिया है और टेम्पर ग्लास लगा कर भी नहीं दिया है। तो मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा जल्द से जल्द बाजार से पर ग्लास या बैक केस वगैरह खरीद लेना, वरना बहुत ज्यादा हाथों का निशान और क्रैचेस वगैरह आ जाता है इस फोन में, ये जरूर ध्यान में रखना। पॉलीकार्बोनेट का एक चीज मुझे अच्छा लगता है, अगर हाथों से गिर जाए ना तो टूटेगा नहीं लेकिन ग्लास बैक टूट जाता है। तो ग्लास और पॉलीकार्बोनेट में यही सिर्फ डिफरेंस है, वरना प्रीमियम तो ग्लास बैक देता है। यहाँ पे मिलता है डायमेंसिटी 700 चिपसेट। इस फोन के ऊपर हम लोग अंतुतु बेंचमार्क को रन किए थे, जो स्कोर आया है वो 2.5 लाख के आसपास स्कोर आया है और टेक इंडस्ट्री के अंदर ठीक ठाक माना जाता है। ऐसे भी इस फोन का जो प्राइस है वो 21,000 रुपीस के आसपास है। इस सेल में बहुत कम प्राइस में मिल रहा था तो मैंने ले लिया। खैर, इस फोन के ऊपर मैं बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया को टेस्ट कर चुका हूँ। फर्स्ट इंप्रेशन मुझे काफ़ी अच्छा लगा, कोई भी लैग या स्टेटर वगैरह उतना ज़्यादा मुझे दिखाई नहीं दिया। लेकिन अगर आप लोगों को डिटेल में गेमिंग रिव्यू देखना हो इस फोन के ऊपर तो हमारे गेमिंग चैनल में जा सकते हो, वहाँ पे सब कुछ क्लियरली मैं आप लोगों को बता दूंगा कि इस फोन में हीटिंग इशू है कि नहीं, BGMI खेलने टाइम लैग वगैरह होता है कि नहीं। तो अगर आप लोगों को डिटेल गेमिंग रिव्यू चाहिए या गेमिंग एक्सपीरियंस चाहिए या देखना चाहते हो गेम कैसा चलता है तो आप लोग हमारे गेमिंग चैनल में जा सकते हो। कुछ ही देर में गेमिंग चैनल में इस फोन का गेमिंग रिव्यू भी आ जाएगा। डे टू लाइफ यूज करने में भी कोई भी तकलीफ नहीं होगा। ऐप ओपनिंग वगैरह जल्दी जल्दी ओपन होता है, मैं कुछ ऐप ओपन कर रहा था तो ऐप ओपनिंग में कोई भी दिक्कत नहीं है। और रैम मैनेजमेंट भी ठीक ठाक है, मतलब बहुत सारे ऐप को मैं एक साथ ओपन करके रखा था, उसके बाद 3-4 घंटे बाद मैं रैम में जाकर कुछ ऐप को चेक कर रहा था रैम में है कि नहीं, तो मैंने चेक किया लगभग 80% या 75% ऐप रैम में था। तो ये देखकर मैं बहुत ज्यादा इंप्रेस हुआ हूँ सैमसंग से। 6.6 इंच का फुल HD प्लस TFT पैनल यहाँ पे दिया है। तो यहाँ पे डिस्प्ले में थोड़ा सा डाउनग्रेड किया है, सैमसंग जाना जाता है तो उसके डिस्प्ले के लिए, सुपर एमोलेड डिस्प्ले के लिए, लेकिन इस फोन में ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे TFT पैनल दिया है, अगर सुपर एमोलेड डिस्प्ले देता और भी बढ़िया होता। हम लोगों को पता है सैमसंग का डिस्प्ले काफी अच्छा होता है, तो अगर यहाँ पे TFT पैनल दे दिया है तो बहुत सारे लोग यहाँ से ही लौट जाएगा। इस रीजन से इस फोन को बहुत सारे लोग बाई नहीं करेगा और मैं भी उतना ज्यादा इंप्रेस नहीं हुआ हूं। कम से कम सुपर एमोलेड डिस्प्ले तो देना चाहिए, सुपर एमोलेड डिस्प्ले नहीं दिया है, इसके वजह से 90Hz का रिफ्रेश रेट दिया है। मतलब क्या है यार, सुपर एमोलेड होता है, 90Hz के साथ कंपेयर नहीं होता है। खैर, बहुत सारे लोग गेम वगैरह खेलता है तो उन लोगों के लिए थोड़ा सा इनहेंस हो जाएगा, स्मूथ हो जाएगा, यूजर एक्सपीरियंस को और भी स्मूथ करेगा तो काफ़ी अच्छा है। 90Hz, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 90Hz बेकार है, 90Hz ऑब्वियसली अच्छा है, लेकिन 90Hz को छोड़ के अगर सुपर एमोलेड डिस्प्ले दे देता और भी बढ़िया होता। सच में दोस्तों, गैलेक्सी A42 के डिस्प्ले में जो नीचे जो चेन है ना
वो मुझे लगता है थोड़ा सा बड़ा है। मतलब 20,000 के ऊपर आप एक फोन लॉन्च कर रहे हो, कम से कम चेन तो छोटा दे दो, यहाँ पे बहुत बड़ा लग रहा है। जैसे कि लग रहा है कि 8,000, 7,000 या 10,000 के आसपास के फोन में जैसा बड़ा बड़ा बद्दा सा नॉच रहता है या जो चेन रहता है वही वाला यहाँ पे दिया गया है। क्या कर रहे हो यार, थोड़ा सा तो चेंज करो। इस फोन में एक कमियां मुझे लगा, इसका जो फिंगरप्रिंट सेंसर है वो बहुत स्लो है, कभी कभी ओपन ही नहीं करता है। मैं टैप करके छोड़ देता हूँ, ओपन ही नहीं करता है कभी कभी, कभी कभी ओपन करता है तो बहुत लेट करके ओपन करता है। तो सैमसंग को इसको फिक्स करना चाहिए, इसके ऊपर काम करना चाहिए, आगे ना हो इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। और इसका जो फेस अनलॉक है वो बढ़िया है, फेस अनलॉक को लेकर कोई भी शिकायत नहीं है। हाँ, लॉक स्क्रीन आता तो है लेकिन ओपन हो जाता है, थोड़ा सा टाइम लेता है लॉक स्क्रीन में। चलो इसका ओवरव्यू दे देता हूँ। नीचे की तरफ 3.5 mm जैक, माइक्रोफोन, टाइप सी पोर्ट, स्पीकर, राइट साइड की तरफ पावर बटन, फिंगरप्रिंट सेंसर एक्स्ट्रा दिया है, वॉल्यूम अप डाउन बटन है, ऊपर की तरफ सेकेंडरी माइक्रोफोन, लेफ्ट साइड की तरफ सिम ट्रे है, यहाँ पे डेडिकेटेड सिम स्लॉट देखने को मिलता है। 5000 mAh का बैटरी दिया है, ठीक ठाक बैटरी है, अभी मुझे यूज करना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं आप लोगों को बता पाऊंगा इसका बैटरी परफॉर्मेंस कैसा है। बहुत जल्द बैटरी डेंटिस्ट आ रहा है, सिर्फ इस फोन का नहीं, इस फोन के साथ इस प्राइस में जो सारे किलर फोन है सारे फोन के साथ बैटरी डेंटिस्ट और बैटरी चार्जिंग टेस्ट बहुत जल्द आएगा। 5000 mAh बैटरी के साथ 15 watt का चार्जर दिया है, तो फुल चार्ज करने के लिए 2.5 घंटे के ऊपर जाएगा, तो ये आप लोग ध्यान में जरूर रखना। यार सैमसंग यहाँ पे मार खा जाता है, मतलब 15 watt का चार्जर दे दिया, कम से कम 30 watt का चार्जर तो देना चाहिए था, वो छोड़ो 25 watt का चार्जर दे देते। मतलब 20,000 के ऊपर आप एक फोन का प्राइस रख रहे हो, वो भी ऐसे कम स्पेसिफिकेशन के साथ, मुझे उतना अच्छा नहीं लगा। और हाँ, एक बड़ी चीज मैं आप लोगों को बता दूं, इस फोन में नॉक्स सिक्योरिटी का फुल वर्जन नहीं मिलता है, कुछ कुछ चीज देखने को मिलता है लेकिन सिक्योर फिल्टर वगैरह इस फोन में नहीं है, तो ये जरूर ध्यान में रखना, ये बहुत बड़ी बात है। इस फोन का जो सार वैल्यू है, हेड के लिए 0.47, बॉडी के लिए 1.6। वाइड वाइन L1 का सपोर्ट देखने को मिलता है, मतलब नेटफ्लिक्स और Amazon प्राइम में फुल HD में कंटेंट वगैरह कंज्यूम कर पाओगे। बहुत सारे सेंसर वगैरह यहाँ पे भर भर के दिया है, जायरोस्कोप वगैरह, तो सेंसर को लेकर भी कोई भी तकलीफ यहाँ पे नहीं होगा। कैमरा 2 API का ऑप्शन मिलता है, मतलब जी कैम को आप आसानी से यूज कर पाओगे। बैक साइड में 64 MP का ट्रिपल कैमरा सेंसर मिलता है और 8 MP का सेल्फी कैमरा मिलता है। इसका कुछ मैंने कैमरा सैंपल वगैरह खींचा हूँ, मुझे बहुत सारे पिक्चर वगैरह खींचना पड़ेगा, ये मेरा फर्स्ट इंप्रेशन है, तो आप लोग देख लो और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना ये सारे कैमरा सैंपल आप लोगों को कैसा लग रहा है। मैं आप लोगों को बता दूँ, डिटेल रिव्यू में मैं आप लोगों को क्लियरली बताऊंगा, अभी मुझे नाइट में वगैरह में बहुत सारे सिचुएशन में पिक्चर वगैरह खींचना पड़ेगा। मैं सिर्फ वाटर टेस्ट करके रखा था, उसके बाद स्विच ऑफ कर दिया था, उसके बाद अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ, तो मुझे बहुत सिचुएशन में कैमरा सैंपल वगैरह खींचना पड़ेगा। ये जो सारे आप कैमरा सैंपल देख रहे हो सारे के सारे डे लाइट में खींचा गया है, तो आप लोगों को कैसा लग रहा है ये सारे कैमरा सैंपल कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अभी इकट्ठा सारे प्रॉब्लम मैं आप लोगों को बताता हूं। सबसे पहला जो कमियां है, यहां पे फिंगरप्रिंट सेंसर उतना अच्छा काम नहीं करता है, बहुत लेट करके काम करता है। दूसरी चीज, यहां पे TFT पैनल दिया है, IPS मतलब सुपर एमोलेड डिस्प्ले नहीं दिया है, कम से कम एमोलेड डिस्प्ले देना चाहिए था, वो भी नहीं दिया है, तो वो भी एक बड़ा प्रॉब्लम है। तीसरा जो कमियां लगा है, इसका जो नीचे जो चेन है वो मुझे लगता है बहुत बड़ा है और भी छोटा होना चाहिए था। चौथा कमियां मुझे लगा है कि 15 वाट का चार्जर दिया है, मतलब 20,000 में 21,000 में फोन लॉन्च कर रहे हो, कम से कम 30 वाट तो हम लोग एक्सपेक्ट ही करते हैं ना, तो ये सब कुछ कमियां लगता है। और सबसे बड़ा जो कमियां है, पांचवा जो कमियां है वो है यहाँ पे फुल वर्सन नॉक्स सिक्योरिटी नहीं मिलता है। सैमसंग का फोन लोग इसीलिए लेता है कि उस फोन में नॉक्स सिक्योरिटी है, लेकिन इस फोन में ऐसा कुछ भी नहीं है, मतलब नॉक्स सिक्योरिटी तो है लेकिन फुल वर्सन नहीं मिलता है, तो ये एक कमियां है। मतलब इसका जो प्राइस है ना वो 16-17 हज़ार हमेशा के लिए लेना चाहिए। इस सेल में मुझे वैल्यू फॉर मनी मिला है 17,000 में, लेकिन सेल खत्म हो जाएगा 21,000 में मिलेगा, और उस प्राइस में मुझे नहीं लगता उतना ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी फोन, तो ये मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन है। बहुत सारे लोगों को लगेगा कि मैं गलत कह रहा हूँ, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे जो लगता है वो मैं आप लोगों को बताया हूँ, और ऐसे भी मैं फ़ोन खरीद के रिव्यू दे रहा हूँ तो मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन ही होगा ना। तो ये था वीडियो, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करके बेल आइकन बजने टाइम ऑल में जरूर क्लिक करना। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले फ्रेश वीडियो में, तब तक मचाते रहो।